अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल खोखर पियां क्लब। इर्द गिर्द का नज़ारा लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ये छाता है जी, और ये अभी कुछ आपको वीडियो पे इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, और बच्चे भी उड़ाने हैं, कल बाजी है। सिर्फ इन दो, ये सामने छाता है हमारे हमसाए के, उनके सिर्फ बच्चे उड़े हैं, वो देखें। अदरवाइज़ बच्चा कोई नहीं उड़ा रहा, हो रहा दरअसल यह दोस्तों, कल बच्चे उड़ाए थे मैंने कुछ 10:30 बजे, तो उड़ाने जल्दी थे, लेकिन मेरी कल तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं लेट उठाऊँ। तो कल एक लगड़ है दोस्तों, उसको हम अपने टिपिकली ज़बान में लगड़ बोलते हैं, ठीक है। लगड़ से मुराद ईगल, बैरी, बास टाइप, जो भी आप समझ ले। वो ऐसा कुछ जो है ना, परेशान किया हुआ उसने हमें। मेरा कल बच्चा उठा के ले गया, और मेरा बेन बच्चा था टैडी। आपको पता है कोई बच्चा घिंच के उड़ना शुरू कर दे, बड़ा टाइम लग जाता है उसको उड़ते उड़ते ना, और बड़ी मेहनत वाली बात होती है उसको घिंचाना, उसको उड़ाना। बहुत सारे बच्चे हैं उड़ते नहीं हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन एक उड़ के आसमान जाना शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, वो उस तरह का बच्चा कोई चले जाए तो आपको दुख होता है। मेरे 4-5 बच्चे ऊपर थे, एक को पड़ा चपड़े को, काले को। मैंने वीडियो में बोला कि मेरा चपड़ा बच्चा ले गया, लेकिन चपड़ा बच्चा छूट गया था, उसकी जगह उसने दूसरा पकड़ लिया, लेके मेरा बच्चा गया। सबको पता है, रोज़ आता है, रोज़ लेके जाता है। वो पीछे शानी है, उसका भी ले गया। ये हमारे छात्रम साई अली ट्रैवल एजेंसी अली की उस्ताद, उसका भी ले गया, मेरा भी ले गया। इधर से रोज़ किसी ना किसी का चुकता है। और मज़े की बात यह, एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा आता है ब्याज, और लगड़ जो होता है ना, वो ऊपर से बड़ी हाइट पर कबूतर ऐसे पकड़ते हैं और ले जाते हैं। एक दफ़ा ट्राई करते हैं, 2 दफ़ा मैक्सिमम ट्राई करते हैं तो ले जाते हैं। वो तो यार पीछे ही पड़ जाता है ऐसी ऐसे गोली की तरह, जैसे कोई बाज ही हो, जो जब तक पकड़ता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं, और अदलों में से आगे उठा के ले जाता है। यार हम तो बड़ा तंग आ गए हैं, शहरदारी में भी ये जो है ना काम शुरू हो गया। तो मैंने कल वीडियो बनाई है, वो मैं आपसे ज़्यादा शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह, इसको नहीं पता है किसका बच्चा उठा के ले गया, अब इसके आखिरी टाइम शुरू हो गया, इसकी रैकी हम लगवाएंगे इंशाल्लाह, इसको पकड़ेंगे। मैं पकड़ा गया तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। हमारे एक बंदे हैं इधर, वो इस तरह के काम करते हैं, उन्होंने आगे भी एक लकड़ पकड़ा हुआ था, वो बड़ा मशहूर वाक़ हमारे इलाके धर्मपुरे का। एक दफ़ा में, एक दिन में उसने 27 कबूतर लोगों के मारे, एक नहीं। वो हुआ इस तरह था कि उसको कोई पकड़ने गया तो वो पकड़ के निकल गया, यानी कि उनकी छूट में से निकल गया, तो उसके बाद ने जो सामने से पकड़ के मारे हैं। ये भी इसी तरह कोई काम कर रहा है, तो हर बंदा इसे परेशान है। मेरा भी बच्चा ले गया, पूरी वीडियो आपके भाई ने बनाई है, पूरे बास की तरह ये 4-5 टावर ऊँचा होकर उठा के लेके जाई जा रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, हर बंदे ही परेशान है। आज भी आएगा, क्योंकि आजकल आसमान साफ है। अभी आजकल इनके बच्चे बुच्चे निकले, इनको भूख की ज़रूरत है, ये वरना चूहे का शिकार ज़्यादा करते हैं, तो आजकल चूहे छूहे नब नहीं रहे। अभी आगे फसलें कटिंग वटिंग होगी तो उसमें सामान इनका भी माल गोदाम आएगा, लेकिन अब तक ये हमारा बेड़ा घर कर रहा है। खैर दुआ करें आज बचत हो जाए। अभी ये बच्चे कुछ निकाले हैं दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अभी बताऊँ क्या बात है, ये देखें, ये 5 बच्चे हैं अपने पास। 5 बच्चों से मराज ये है कि कल इनमें से 2 बाजी में डालने हैं। बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, वो इंतहाई नाजुक होते हैं, इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। अब छेड़छड़ाइया इनसे करो ना, तो फिर ये ठांस ही होता है कि यार ये बैठे ना बैठे। ऊपर से अभी पक्के भी नहीं है, गिजे भी सही तरह नहीं हुए, अभी इसको गिजना नहीं कहता। 2-4 दफ़ा उड़ के आओ, गिजना उसे कहता है, कम से कम वो 10-12 दफ़ा सामान हो के आए, घर आए, 4-5 परों उड़ता रहे, उसके बाद फिर बंदे का तमाद बार होता है। नहीं यार, इसमें हर मौसम देखें, इसमें सिवाय एक बच्चे के कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो है ना मैं उस पर कोई करूँ कि यार ये मेरा पका। बाकी खैर बाजी तो लगी है, बाजी हमारी झुगल में लगी, वो तो रानी रानी है, किसी भी सूरत हार जीत अपनी जगह है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे, मोहब्बत करेंगे। कल उड़ाऊँगा, देखता हूँ क्या बनता है। अभी तो फिलहाल इनको आज भी उड़ा रहा हूँ, देखता हूँ मैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये एक बच्चे का ज़रा थोड़ा सा मुझे है कि ये वाला मेरा पुराना, ये बीमारी से निकला है, फिर दोबारा बीमारी है, ज़रा पक्का है ये। इसको अगर वो देखें, ये उड़ा दिया, ये 2 उड़ा दिए, वो देखें माशाल्लाह। अभी इनको 10-11 बजे तक यह चपड़े का भी आज शो कराऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरा बबर शेर पट्टी है, ठीक है। ये देखें कॉलेज शाह पंजी है, इसको सिर्फ मैं वैसे ही उड़ा रहा हूँ, इसको मैंने बाजी बुजी भी डालना दे ले। एक को इसको चिट्टे डाली और एक उसको चिट्टे डाली है बस। और ये शालकोटी बच्चा, ये देखें, मैंने इसकी वीडियो बना के आपको बोला था कि इस बच्चे का मैं आपको शो कराऊँगा लहदा से। अलहमदिल्ला आज देखना है इसको, अल्लाह के कहा जा, बिस्मिल्लाह जी ले अपनी ज़िंदगी, जा जा मेरा, चल 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 माशा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ये जी ले अपनी ज़िंदगी। ये देखें जी, इसने पैर नहीं लगाना माशाल्लाह, जी ले अपनी। आज 3 दिन के बाद निकाला है इसको मैंने, आज अपनी ज़िंदगी जिएगा। अड्डे पे नहीं बैठना, अड्डे पे नहीं बैठना, नहीं बैठना, चलो बैठ गया उसकी किस्मत। अभी वो 2 उड़ गए हैं, दुआ करें कि 2 को घंटे, ये दोनों फिलहाल ये 2 उड़े हैं ना, मेरा पूरा जहन है दोनों में से एक आधा सेलेक्ट करके डालूँ। बाकी देखो अभी सिर्फ मैंने इनको फिरती लेनी है इनकी, वह उड़ा दी है मैंने, वह अड्डा नीचे कर दिया वो देख। अभी वो देख, ये 4-5 बच्चे उड़ा दिए, वो चपड़ा जा रहा है दे रहे। इंशाल्लाह अभी ये मज़ीद पक्के होते रहेंगे, सीधे होते रहेंगे तो उड़ते रहेंगे ये, तो टाइम लगता है। ऊपर से विड में कबूतर है जाल में ना, जिसकी वजह से ना ये बैठ जाते हैं, छेड़े लगती हैं बच्चे को। तो आज कबूतर भी कोई नहीं खोलना मैंने, और आज जो है ना सिर्फ इनको उड़ाना ही है।
वो देखें, ये भी बच्चा कल उड़ के आया है। अब देखना ये है कि क्या बनता है। वो चपड़े का नज़ारा लें, इंशाल्लाह सबको बैठा के बैठेगा ये। लेकिन मैंने इसको बाजी में नहीं डालना क्योंकि अभी ये नंग है। अगर ये आज अच्छी फिरते देख के आ गया तो दो तीन चार घंटे उड़ के आ गया ना, चार एक घंटे, क्योंकि ये उड़ता है इतना तीन चार घंटे। तो मैंने इसको कल ऐसे उड़ा देना है, पानी देगा ना, गर्म पानी सादा ही दे ले, सादा पानी दिया भी। ये बच्चों को भी मैंने देना है, आप लोग भी दें। बच्चे देखें मैंने कैसे पलवाया, मैं आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने पानी के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिया। पहले तो मैं 14 नंबर फीड का भी इस्तेमाल करता था, हर बंदा करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इस दफ़ा तो वो भी नहीं की, लाना भूल गया मैं। दाना इतना महंगा हो गया दोस्तों, समझ ही नहीं आ रही यार क्या करें। आज इत्तेफाक की बात है, सुबह सुबह उठाऊँ आज तो, और अल्हम्दुलिल्लाह उठता तो मैं सुबह ही फजर के टाइम ही। आपको भी उठना चाहिए, अपनी आदत है, पहले नहीं थी लेकिन बनाई है यकीन माने। थोड़ी बहुत पहले दो हफ्ते नहीं दिल करता था उठने को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई है। दूध लेके आऊँ इकट्ठे 30 रुपये बढ़ा दिए दूध वाले ने, 30 रुपये बढ़ गए इकट्ठे। 120 का था, 150 का हो गया। वो देखे वो चपड़ा बच्चा हमारा सामानों में लाग गया, दे रहे ये फिर रहा है। अगर ये देखता हूँ ना, ये भी उड़ा दिए इनका। अब ये देखें ये बच्चे पले हैं हमारे पास ना, ये गगनचुम्मी बच्ची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गगनचुम्मी से मुराद है, ये कमेंट्री में अक्सर आता है गगनचुम्मी छिका, इधर गगनचुम्मी बच्चे, ये देखें माशाल्लाह। तो एंडो में ये है जी ब्लड लाइन, जितना फिट और हेल्दी और एक्टिव बच्चा पलेगा उतनी ही आपकी कबूतरों में। अब ये जितने हैवी पले हैं ना, इंशाल्लाह ये कलियों में उड़ेंगे, इस चीज़ की मनी बैक गारंटी है। हैवी ये पले हैं उस हिसाब से ये गारंटी छूदा है इनमें कि ये शामों तक उड़ेंगे और इनमें पूरी परवाज देंगे दिनों में। क्या है, सिर्फ सादा अभी भी पानी पिलाऊंगा। अभी ये देखें माशाल्लाह चपड़े के बच्चे भी देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये जो साइज़ है ना, स्टैंडर्ड साइज़ का ला के रखा हुआ है मैंने, खुला डुला है लोगों। ये देखें ये माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, काले शाह निकले हैं इस दवा तो। इस दवा तो ये इंशाल्लाह मज़ा करा देंगे। और बच्चे हमारे दो बैठ गए हैं और तीन उड़ रहे हैं, तो अभी जो है ना इनको दोबारा इनको उड़ाते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कल के लिए शुगल के लिए तैयार रहिए इंशाल्लाह। वो चपड़ा बच्चा दे लें, उसको कुछ किया भी नहीं है तो ठक ठक करते ही गायब हो गया। तो अब जेन बना दिया उसने मेरा, क्योंकि ये मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए जो उड़े और सीधे ही ऊपर जाए, नीचे काम रुकने वाला नहीं है। अभी ये दो बैठ गए, इनको मैं दोबारा से झंडी मारता हूँ ज़रा। तो झंडी लटका दी, अभी ये देखते हैं इनका क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा। चपड़ा बच्चा वो बुलंदी पर लग गया, सबसे हाइट पर गया है और वहाँ को चीटता हुआ ही गया है हमारा बच्चा चपड़ा। अभी ये गलती कर ली, एक बच्चा नीचे वाला उड़ा के ये पट्टिया, क्योंकि ये अड्डर आम है। जैसी कबूतर हिलते हैं ना, ये दस्ती बैठने की कर दिए देना ना, ठापे मारी जा रहे हैं। ये कबूतर को छेड़ लगती, कबूतर बेचारा नीचे भागता है। इंशाल्लाह भी मैं इनको उतारता हूँ और उतार के इनका कुछ करता हूँ। ये हालांकि कल उड़ के भी आई है, ये मुडी है, ये छत बंद पर ही उड़ती है। तो बाकी ये देखें हमारे उड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो खैर है, जो उड़ गया वो तो उड़ गए। वो चपड़ा बच्चा देखो यार, वहाँ को चीटता हुआ सामान चले गया। रे दोस्तों इजाज़त दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खोखर भी क्लब को दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह कबूतरबाजी से रिलेटेड शुगल मुगल इंटरटेनमेंट आपका भाई आपको दिखाता रहेगा, मिस नहीं करेगा। बाकी आप लोगों की बहुत बहुत मोहब्बत का, प्यार का शुक्रिया, आप लोग बहुत मोहब्बत प्यार देते हैं और इस वजह से हमें जो है ना मोटिवेशन मिलती है और हम भी काम चुप के रखते हैं। ओके जी, और ये लकड़ का इंशाल्लाह कारोबार तबाह करेंगे हम बहुत जल्द। इसने जो हमारा कारोबार तबाह किया ना, हम इसको ही तबाह करेंगे, मारेंगे नहीं बड़ा, इसको पकड़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इसका क्या करते हैं इंशाल्लाह।